हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत सारे कमेंट्स, अब देखिए हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की हम लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स, एक क्यू एन ए हम बना चुके थे, एक और बना देते हैं ताकि आपको डिटेल में समझा पाए। रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होता है। नंबर एक क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट ब्लॉक्स ने पूछा है, इंप्रूवमेंट में एक सब्जेक्ट के तीन पेपर होंगे या जैसे मैंने एक कंबाइंड पेपर हुआ था वैसे ही होगा, प्लीज रिप्लाई। तो शॉर्ट ब्लॉक्स जी देखिए, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अब यूनिवर्सिटी का मन होगा तो वो तीन पेपर कराएगी। देखिए बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि बीएससी फर्स्ट ईयर वाले, पता चला सेमेस्टर वाले एग्जाम होंगे वो दिसंबर में कराएंगे। ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन सोच के देखिए, अभी इंप्रूवमेंट की कोई अपडेट नहीं है। कायदे से दो महीने में अगर इंप्रूवमेंट में लगाते हैं तो अभी नवंबर है, दिसंबर है, कब इंप्रूवमेंट कराएंगे, कब सेमेस्टर एग्जाम कराएंगे, बहुत कुछ सोचने वाला। तो 99% चांसेस यही है कि वैसा ही वो एक पेपर करा के फटाफट से निकल लेंगे, क्योंकि तीन तीन पेपर कराने फिर टाइम भी तो चाहिए। तो जहां तक एक ही पेपर होगा, बाकी यूनिवर्सिटी जैसी अपडेट देगी आपको बता दिया जाएगा। रितेश त्रिपाठी जी, सर कौन से नेम से एप्लीकेशन है? जी जो लोग नए हैं उन्हें पता होना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर पे जिस नाम से ये चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कीजिए, एक एक रुपए में वहां पे कोर्सेज मिल जाते हैं, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मिस्टर नदीम जी लिख रहे हैं, एम आर नदीम, सर इंप्रूवमेंट के रिजल्ट के बाद क्या एम ए रेगुलर में एडमिशन हो जाएगा? सर एम ए में रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर दिया है लेकिन फीस जमा नहीं की है अभी। बिल्कुल भर जाएगा सर। देखिए अगर नहीं भरता तो फिर आदमी इंप्रूवमेंट डाल के फंस नहीं जाता, फिर कोई इंप्रूवमेंट क्यों डालेगा जब उसे अगले क्लास में एडमिशन लेना है। तो बिल्कुल भर जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से भरिए और एम ए करिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक सर। मिस्टर नदीम जी, मेडिटेशन 1313 जी पूछ रहे हैं, सर मेरे 57% हैं बीए में, मुझे 65% चाहिए किसी कोर्स में अप्लाई करने के लिए और मैंने एमए भी कर लिया है, अब मुझे क्या दोबारा से बीए कंप्लीट कर सकते हैं हम? देखिए जो भी लोग हैं, ये जो भी हैं मेडिटेशन 1313, हम अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपका कहना है कि आपने बीए कर लिया है, एमए भी कर लिया, अब आपको एडमिशन लेना है तो फिर आप दोबारा से बीए करेंगे। देखिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना सच्चाई ये है कि दो तरीके होते हैं जिंदगी में, एक जो आपके पास नहीं है उसे लेके आप रोते रहिए, अब हम क्या करें, हम दोबारा से करें ना करें, एक जो है उसे अपनी मजबूती बनाइए ना। तो जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने से क्या होगा कि दोबारा 3 साल आपने खराब किए, फिर दोबारा से बीए कर रहा है, तब तक आपके साथ वाले आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो सीधी बात यही है, उसे छोड़िए, जो नहीं है उसे छोड़िए, जो है। और वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कुछ है तो आप वही बनेंगे जो आपके पास है। जैसे मान लिया किसी के पिताजी की दुकान है तो उसके दिमाग में होगा, अरे यार हम भी दुकान पे बैठ जाते हैं, उसके रिसोर्सेज हैं, तो नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कुछ भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, संगीता जी ने लिखा, वाह सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं जी, धन्यवाद। उसके नीचे देखिए शुभांगी गंगवार जी, सर मेरे बीकॉम में ग्रुप ए में पेपर फर्स्ट और सेकंड में 60+ मार्क्स हैं, ठीक है, तो क्या मुझे इंप्रूवमेंट डालना चाहिए, 60 नंबर से ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है आपको क्या लगता है कि क्या हम इससे अच्छा लिख सकते थे, या जब हमने मेन एग्जाम दिया था तो क्या हम पूरा पेपर नहीं कर पाए थे, या हमने पूरा किया था तब भी इतने ही मिले। देखिए 70% बीकॉम में तो हमने सुना था परसेंटेज अच्छी भी आती है, तो वो डिपेंड करता है आपके जो फ्रेंड सर्किल वगैरह है, ठीक है, कितनी परसेंटेज लोगों की आती है किस हिसाब से। अगर लोग 74-80 लेके बैठे हैं तो आप 60 में फिर कैसे संतुष्ट हो सकती हैं, ठीक है शुभांगी जी। तो सीधी सी बात यही है, अपने आप से पूछिए कि क्या हम और अच्छे से नंबर ला सकते हैं, और फिर आपको ये भी डिपेंड करता है कि आप आगे की क्लास की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं डिस्टर्ब होना चाहते हैं तो सही है सर 60 है, अरे चलो फर्स्ट है, चल रही है, क्या फर्क पड़ता है, हर जगह कोई भी फॉर्म आप बनेंगे 60 से ज्यादा पैसे भी नहीं मांगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से सोचिए समझिए तब फॉर्म भरिए, उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। सर मैंने इस साल एम ए पॉलिटिकल साइंस से, लकी वर्मा जी, साइंस से फॉर्म भरा था और प्रमोशन मिल गया, पर आगे मुझे 55% नंबर चाहिए क्योंकि मुझे पीएचडी करनी, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाएं? बहुत आराम से सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एमए में 55% लाना, आपको हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम 3 बार एमए कर चुके हैं, अभी और 7-8 बार करने की प्लानिंग है, कुछ लोग पागल बताएंगे लेकिन बस मूड है तो कर रहा है, नई नई चीजों से, कभी फिलॉसफी से कर लिया, कभी हिस्ट्री से कर लिया, इस तरीके से। तो देखिए 55% कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से प्रॉपर कॉपी भर के आइए, अच्छे से लिख के आइए, अच्छे अच्छे से, हवाबाजी नहीं, कुछ भी लिखा है ऐसा नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड रहिए, जुड़े रहिए, राइटिंग अच्छी लिखिए और ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए, 55 छोड़िए। ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं कुछ, जिनका रिजल्ट आया उनकी परसेंटेज 65-70 बिना पढ़े अच्छी राइटिंग से बस लिखा हो गया, समझ गया? तो 55 तो कुछ नहीं, उससे ज्यादा ही आपके आ जाएंगे, ठीक है। सर मैं जनरल इंग्लिश में फेल हूँ, इंप्रूवमेंट की तैयारी कैसे करें सर प्लीज, बी के ऑफिशियल। तो बी के जी देखिए यही है, इंप्रूवमेंट में फेल है कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपने लिखा है अच्छी बात, अब आप इंप्रूवमेंट में भी कॉपी को भर के आए, नंबर एक कॉपी बिना भरे नंबर नहीं मिलते हैं। अनसॉल्व पेपर की आप सहायता ले सकते हैं, सॉल्व पेपर वगैरह मार्केट में बहुत सारे आते हैं, उनकी आप सहायता ले सकते हैं।
इस समय तो दुकानदारों ने वापस भिजवा दिया होंगे, किसी आपका कोई फ्रेंड हो उससे अनसॉल्व वगैरह ले लीजिए, पढ़िए पिछले 2 साल के तो पढ़ ही लीजिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, नहीं भी हो तो कॉपी पूरी प्रॉपर तरीके से भर के आइए, उम्मीद करेंगे आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, बेस्ट आप लग सर। शिवम गुप्ता सर इंप्रूवमेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर होंगे क्या? ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। सर इंप्रूवमेंट डालने के बाद नंबर कम तो नहीं होंगे? ये सूरज सिंह ने पूछा है, ठीक है, और वो पहला क्वेश्चन था शिवम गुप्ता जी का। तो सूरज भाई देखिए, नंबर कम अगर होते भी हैं तो आपको पुराने वाले नंबर दे दिए जाते हैं, यही MJPREO में अच्छी बात है, खास बात है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत होकर डालिए। इंप्रूवमेंट कब से भरे जाएंगे? विक्रम टेक्निकल जी ने पूछा है। सर अभी तो कोई डेट नहीं आएगी, आएंगे तो आके बता देंगे। कांग्रेचुलेशन, बधाई, और भी बहुत सारे नीचे हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है, जितने ज्यादा ज्यादा हमने पिक कर पाए वरना वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएंगे। आपका भी अगर कोई भी कमेंट है, कैसी भी आपको दिक्कत है, समस्या है, नीचे कमेंट करिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करती है और वो क्वेश्चन छाट के हमें दे दिया जाता है, फिर हम आपके यहाँ पे वीडियो भी बना देते हैं, ठीक है। फिर भी ज्यादा दिक्कत है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाता है चैट सपोर्ट, आप डायरेक्ट हमसे बातचीत भी, हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।